सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख लेते हैं एक बार कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, कि जो रेट होता है रिएक्शन का, जो रिएक्शन का रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, जो हमने कंसंट्रेशन देखा ना, हाँ, वो कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वो जीरो होता है। ओके, सो बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज आर गिव्स पी। ओके, सो कोई भी क्वांटिटी होगी उसका पावर जीरो होगा। अगर कोई भी क्वांटिटी ले लो, जैसे कि टू रेस टू जीरो, तो उसका आंसर क्या आएगा, वन। एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन। ओके, सो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कांस्टेंट और इक्वल होगा जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट से। ओके, सो अब हम रिएक्शन का रेट देख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन है रेट, ओके, सो रेट है माइनस डी आर अपॉन डी टी, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के आर कंसंट्रेशन, ये आर है वो कंसंट्रेशन है, रेस टू ए। ओके, सो बेसिकली हमने देखा था के आर रेस टू जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए। सो ये वैल्यू क्या हो गई, वन। ओके, ये वन हो गया, तो के इंटू वन इक्वल्स के। ओके, नाउ अभी डी आर इज इक्वल्स टू टू के डी टी, डी आर इज इक्वल्स टू टू के डी टी। ओके, नाउ जस्ट अ सेकेंड, ये जो है फर्स्ट, ये जो है सेकेंड। नाउ अब इंटीग्रेटिंग, यह पूरा डेरिवेशन है, हमें यह याद करना है। ओके, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू, इंटीग्रेटिंग टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर इक्वल्स टू माइनस के आर प्लस सी, दिस इज इक्वेशन थ्री। ओके, सो उसमें जो सी है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओके, और ये जो आर है वो कंसंट्रेशन, एक वैल्यू है कंसंट्रेशन का एट सर्टेन टाइम। ओके, आर इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो जब टाइम टी इक्वल्स टू टी जीरो होगा और आर इक्वल्स टू आर जीरो होगा तो क्या होगा, तो रिस्पेक्टिव ये वैल्यूज हम इक्वेशन थ्री में प्लॉट करते हैं और देखते हैं हमें फाइनल क्या मिलता है। सो फाइनली वी गॉट आर जीरो इज इक्वल्स टू माइनस के जीरो प्लस सी, लेट अस टेक दिस इक्वेशन एज अ फोर। ओके, सो वैल्यू जो आई हमें, हमारी आर जीरो की जो वैल्यू आई, ये हम थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। लेट अस टेक दिस इक्वेशन एज फाइव नंबर। ओके, सो अब आएगा कि आर और आर ऑफ टी की वैल्यूज हम चेंज कर दें तो क्या मिलेगा, आर टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो, के इक्वल्स टू
आर ज़ीरो माइनस आर टी अपॉन टी. लेट अस टेक दिस एज सिक्स. ओके सो ओके सो इक्वेशन फाइव इक्वेशन सिक्स जो होगा वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट होगा. ओके अब इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार. सॉरी ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है. ओके सो इसमें माइनस के है वो स्लोप है, ये टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन का ग्राफ है. ओके ये ए बी सी ये स्लोप है. ओके और ये आर ज़ीरो. ओके सो अब हाफ लाइफ डिस्कस कर लेते हैं. ये थोड़ा साइड हो गया. हाफ लाइफ डिस्कस कर लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. टाइम टेकन डेफिनेशन. टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज नोन एज हाफ रिएक्शन टाइम. ओके अब इसका मतलब समझते हैं कि समय जो लगता है 50% उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है उसको कंज्यूम करने में उसे हम कहते हैं हाफ रिएक्शन टाइम. ओके तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने डिराइव किया के इक्वल्स टू आर ज़ीरो माइनस आर टी अपॉन टी. ये हमने देखा. ओके तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम टी की वैल्यू जो है टी इक्वल्स टू टी हाफ आर टी इक्वल्स टू हाफ आर ज़ीरो. ओके सो इसकी वैल्यू फाइनल हमें क्या मिलने वाली है लेट अस सी. इसकी फाइनल वैल्यू होगी टी हाफ इक्वल्स टू आर ज़ीरो माइनस वन बाय टू आर ज़ीरो अपॉन के. सो फाइनल वैल्यू आ गई टी हाफ की ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर ज़ीरो अपॉन टू के. ओके ये हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स के लिए हमारी फॉर्मूला आ गई है. ओके नाउ लेट अस सी अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आ गई है. ये दोनों वन ऑफ माय फेवरेट है टॉपिक्स इसलिए, और ये चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. इसमें से एक तो शायद आ ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की. ओके सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है. रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसका पावर वन. हमने वहाँ पावर के कितना देखा था, ज़ीरो देखा था. इसमें पावर वन है. ओके सो सेम है आर गिव्स पी. ओके फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके सो रेट हमें क्या मिलेगा, इसका हमें रेट क्या मिलेगा वो भी एक बार देख लेते हैं. रेट मिलेगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के आर रेस टू ए इज इक्वल्स टू के आर रेस टू वन. सो इवेंचुअली क्या आ जाएगा, के इंटू आर. ओके के इंटू आर आ जाएगा. सो इसका आप डेरिवेशन देख लेते हैं. अब होगा इसका माइनस डी आर अपॉन आर माइनस डी आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के डी टी. ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है. माइनस डी आर सॉरी माइनस नहीं आएगा अभी, डी आर अपॉन डी टी
यहाँ ब्रैकेट भी है, इज इक्वल्स टू के डी टी, ये थर्ड इक्वेशन है हमारा। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग थ्री समय क्या मिलेगा, ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, माइनस के टी प्लस सी। लेट अस टेक दिस इक्वेशन एज नंबर फोर। ओके, सो इसमें जो सी है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और जब टी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा सो हम r को r ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन फाइव में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलेगा ln r ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस के ज़ीरो प्लस सी, ln r ज़ीरो इक्वल्स टू सी। ओके, ln r ज़ीरो इक्वल्स टू सी। अब इस वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को। ओके, सो सी के बदले हम ln r ज़ीरो लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ln r इक्वल्स माइनस के टी प्लस ln r ज़ीरो। ओके, ये हमें मिल जाएगा, इसे हम ले लेते हैं एज अ इक्वेशन नंबर फाइव। नाउ अब इसका हम इसको हम घुमाएंगे, ये माइनस के टी जो है, सॉरी, ये माइनस के टी इधर जाएगा तो प्लस के टी हो जाएगा। के टी इक्वल्स टू ln r ज़ीरो प्लस ln r। ओके, सो k इक्वल्स टू वन अपॉन टी ln r ज़ीरो बाय r। ओके, अब हम इसको सिक्स ले लेंगे, इसको सेवन ले लेंगे। ओके, नाउ सपोज एट टाइम टी वन और टी टू टाइम पे रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है उसको हम डिसाइड करेंगे आर वन और आर टू। सो इसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेवन में। सो लिखते हैं तो हमें वैल्यूज क्या मिलेगी के की, के इक्वल्स टू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन ln r वन अपॉन r टू। ओके, सो ये इक्वेशन एट हो गया। अब इक्वेशन फाइव जो है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा इक्वेशन नंबर फाइव का, r इक्वल्स टू r ज़ीरो e रेस टू माइनस डी टी। ये इक्वेशन नाइन है। ओके, सो इक्वेशन ये सारे सेवन एट और नाइन इक्वेशंस को हम मिक्स करेंगे सो इससे हमें मिलेगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर आर ज़ीरो अपॉन आर आर ज़ीरो अपॉन आर। ओके, हमें मिल गया। सो लेट अस सी नाउ, इसका ग्राफ देख लेते हैं अभी एक बार फटाफट। सो ये जो है हमारा स्लोप है ये के माइनस के अपॉन 2.303, ये टाइम और लॉग आर ज़ीरो के बीच में ग्राफ है। ओके, ये हमारा स्लोप और ये लॉग आर ज़ीरो।
यहाँ पे ऊपर। ओके सो अब इसका हाफ लाइफ कहाँ गया। ओके हाफ लाइफ देख लेते हैं इसका। तो डेफिनेशन सेम टाइम कंज्यूम टू टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 50% ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन टाइम। सो रिस्पेक्टिव वैल्यूज देख लेंगे अभी। सो हमें मिलेगा लॉग आर टी इक्वल्स टू लॉग आर जीरो माइनस के टी अपॉन 2.303। ओके सो हमें मिलेगा लॉग हाफ आर जीरो इक्वल्स टू लॉग आर जीरो माइनस के टी हाफ हो जाएगा टी हाफ अपॉन 2.303। सो हमें फाइनली मिल जाएगा, इसको इवेल्यूएट करेंगे तो हमें मिलेगा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके ये हमें मिल गया और ये दोनों जो है वो कांस्टेंट होंगे। ये हमारी फॉर्मूला हो गई। ओके सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।